नमस्कार, मैं दिव्या धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। भारतीय कुश्ती महासंघ के नई वर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच तेज करते हुए दिल्ली पुलिस एक महिला पहलवान को उनके कार्यालय ले गई, जिससे उन घटनाक्रमों का नाटकीय रूपांतरण किया जा सके जिसके तहत यौन उत्पीड़न की घटना हुई थी। बृजभूषण शरण सिंह के आधिकारिक आवास में WFI का कार्यालय भी है। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने कहा है कि एक महिला पुलिसकर्मी के साथ पहलवान को करीब 1:30 बजे WFI कार्यालय ले जाया गया। उन्होंने कहा कि वे करीब आधे घंटे तक वहां रुकी। उन्होंने उससे घटनाक्रम को दोहराने और उन स्थानों को याद करने के लिए कहा जहां उत्पीड़न हुआ था। उत्तर प्रदेश के अमेठी दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने एक दिवसीय दौरे पर कृष्णा नगर चौराहे पर पहुंची, जहां BJP कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछ लिया, जिस पर केंद्रीय मंत्री बुरी तरह से बिफर पड़ी और मीडिया हाउस के मालिक से उसकी शिकायत करने की बात करने लगी। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव का ऐलान होते ही राज्य में एक बार फिर हिंसा का दौर शुरू हो गया है। मुर्शिदाबाद जिले के खरग्राम में एक कांग्रेस कार्यकर्ता को गोली मार कर हत्या कर दी गई, जबकि इस दौरान दो कार्यकर्ता घायल हो गए। घटना के बाद अधीर रंजन चौधरी ने तृणमूल कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। भारतीय सैन्य अकेडमी में आज होने वाले पासिंग आउट परेड के बाद भारतीय सेना को 331 युवा अफसरों की टोली मिल गई है। इसके अलावा 7 मित्र देशों के 42 कैडेट भी भारतीय सैन्य अकेडमी से करा प्रशिक्षण लेकर अपनी सेना का हिस्सा बने हैं। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने बतौर निरीक्षण अधिकारी परेड को सलामी ली। बिहार का दरभंगा एयरपोर्ट लगातार नए कीर्तिमान अपने नाम कर रहा है। एक और जहाँ पटना और गया एयरपोर्ट घाटे में चल रहे हैं, वही यात्रियों की संख्या और मुनाफे के मामले में दरभंगा एयरपोर्ट एक बार फिर देश में उड़ान योजना के तहत नंबर 1 बन गया है। दरभंगा हवाई अड्डे पर इस साल रिकॉर्ड कमाई हुई है। विदेशों में रहने वाले भारतीय भी इसके फैन हो गए हैं। कटिहार में DM और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अवैध रूप से संचालित विभिन्न जाँच केंद्रों और अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर शुक्रवार को स्वास्थ्य जाँच टीम ने छापेमारी की है। मनिहारी नगर स्थित SVD मार्क हॉस्पिटल में चले अल्ट्रासाउंड और क्लिनिक में छापेमारी की गई, जिसमें कई और अनियमितता उजागर होने के बाद इसे सील कर दिया गया। इसके बाद टीम कुमारीपुर पहुंची, जहां किरण मेडिकल हॉल में स्थित किरण केयर सेंटर में चल रहे गिरजा अल्ट्रासाउंड में छापेमारी करते हुए निर्धारित मानकों की जाँच और पेपर की जाँच की गई। बिहार की राजधानी पटना में आगामी 22 और 23 जून को G20 की बैठक होने जा रही है। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने अंतर्राष्ट्रीय बैठक को लेकर इसकी तैयारियां की समीक्षा की है। मुख्य सचिव ने बैठक के दौरान अधिकारियों से तैयारियों की जानकारी ली। विदेशी मेहमानों के स्वागत के पटना को विशेष रूप से तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा उन सभी जिलों में तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है जहां विभिन्न देशों से आए प्रतिनिधि भ्रमण करेंगे। भारत एक बार फिर मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी करने के लिए तैयार है। इस साल नवम्बर में होने वाली ये प्रतियोगिता करीब 27 सालों के बाद हो रही है। इससे पहले सन 1996 में बेंगलुरु में इसका भव्य आयोजन हुआ था। तब इसे हिंदी फिल्मों के महानायक कहे जाने वाले बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन की कंपनी ABCL ने आयोजित किया था। हालांकि तब बेंगलोर में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का चौतरफा विरोध किया गया था। ये दुनिया चमत्कारों से भरी हुई और कुछ चमत्कार ऐसे होते हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल होता है। कोलंबिया के अमेजन जंगल में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जिसको देखने के बाद हर कोई हैरान है। लैटिन अमेरिकी देश कोलंबिया में हुए विमान हादसे के 40 दिनों के बाद भयानक अमेजन जंगल में 4 बच्चों को जिंदा खोजा गया और ये बच्चे जिस हालत में मिले उसे देखकर रेस्क्यू टीम भी हैरान रह गई है कि भला ये सभी भयानक परिस्थितियों में बच कैसे गए। उत्तर प्रदेश में 6 दिन में बाघ, बाघिन और एक तेंदुए की मौत का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए वन मंत्री की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय टीम को न केवल जांच के आदेश दिए बल्कि टीम को दूधवा रवाना भी कर दिया है। मुख्यमंत्री ने इस मामले में सख्ती दिखाते हुए वन एवं पर्यावरण, जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अरुण कुमार सक्सेना और अपर मुख्य सचिव वन मनोज कुमार सिंह को लगातार हो रही बाघों की मौतों का पता लगाने को भेजा है। यौन शोषण के आरोपों से घिरे भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पिछले 5 महीनों से चर्चा में है। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को यहाँ की एक अदालत से कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जंतर मंतर पर धरना देने वाले पहलवानों के खिलाफ नपराति भाषण का कोई मामला नहीं बनता है। नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना कर रही कांग्रेस का दावा है कि भारत दूध संकट के कगार पर है। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी सरकार पर चुनावी लाभ के लिए एक सहकारी समिति को दूसरे के खिलाफ खड़ा करने का आरोप लगाया। पिछले सप्ताह के एप्पल WWDC 23 स्विफ्ट स्टूडेंट चैलेंज के विजेताओं की घोषणा हुई है। इस बार इसकी विजेता मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली अस्मी जैन बनी है। अस्मी महज 20 वर्ष की और वे मेरी कैप्स विश्वविद्यालय की छात्रा हैं। अब अस्मी जैन और एप्पल के CEO टीम कुक से मुलाकात हुई। अस्मी जैन से मुलाकात के बाद टीम कुक ने कहा
एप्पल हमारा मिशन हर जगह लोगों को उनके जुनून को आगे बढ़ाने और उनके सर्वोत्तम विचारों को जीवन में लाने में मदद करना है। ओडिशा में हुए ट्रेन हादसे ने सभी को हिलाकर रख दिया है। इसमें अब तक 275 लोगों की जान जा चुकी है। इस हादसे के पीछे की वजह तो जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी, लेकिन फिलहाल रेलवे के एक अधिकारी का पत्र सामने आया है। इस चिट्ठी में रेल अधिकारी ने हादसे से करीब 3 महीने पहले ही बड़ी दुर्घटना का अंदेशा जताया गया है। अधिकारी ने बताया कि कैसे सिग्नल सिस्टम की खामी के कारण बड़े हादसे हो सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 1 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा की समीक्षा बैठक ली। बैठक में साल 5 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ ही उनकी सुरक्षा को और भी पुख्ता करने के लिए RIFD टैग वाले कार्ड जारी किए जाएंगे। इसकी मदद से यात्रियों को ट्रैक किया जाएगा और इमरजेंसी की स्थिति में उन्हें ढूंढने में मदद मिलेगी। घर, मकान, जमीन या दुकान, किसी भी तरह के प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के लिए रजिस्ट्री कराई जाती है। हमारे देश में पावर ऑफ अटॉर्नी यानी मुख्तार नामा और वसीयत के जरिए भी अचल संपत्ति का खूब लेन देन होता है। सवाल यह है कि क्या कोई व्यक्ति जिसके पक्ष में वसीयत की गई है या जिसके पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई है, वह इन दस्तावेजों के सहारे संपत्ति पर मालिकाना हक क्या वह पा सकता है। देश की सर्वोच्च अदालत ने अब संपत्ति मालिकाना हक के संबंध में इन दोनों ही दस्तावेजों की मान्यता को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि वसीयत वसीयतकर्ता की मृत्यु से पहले और मुख्तार नामे को किसी भी अचल संपत्ति में अधिकार प्रदान करने वाले डॉक्यूमेंट या स्वामित्व दस्तावेज के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है। CRPF और सीमा सुरक्षा बल के जवान जल्द ही औपनिवेशिक काल से चली आ रही धुनों के बजाय भारतीय धुनों पर परेड करते नजर आने वाले हैं। देश के 2 सबसे बड़े अर्धसैनिक बलों ने इसके साथ ही अगले 25 साल के लिए रोड मैप बनाया है, जिसके तहत उपनिवेशवाद के सभी अवशेषों को धीरे धीरे दूर करने का फैसला लिया गया है। इसके एक हिस्से के रूप में बैक पाइप, स्कॉटिश स्किल्स और बिगुल को हटाने का फैसला किया गया है। साथ ही अर्दली के रूप में सुरक्षा सहायकों की नियुक्ति को खत्म करने का भी फैसला लिया गया है। मणिपुर हिंसा मामले को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। भारत सरकार ने मणिपुर के राज्यपाल की अध्यक्षता में राज्य में एक शांति समिति का गठन किया है। इस समिति के सदस्यों में मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के कुछ मंत्री, सांसद, विधायक और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल हैं। इनके अलावा समिति में पूर्व सिविल सेवक, शिक्षाविद, साहित्यकार, कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न जातीय समूह के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। इस बात की जानकारी गृह मंत्रालय द्वारा आज दी गई है। कोरोना महामारी के बावजूद भारत में हाई नेटवर्थ वाले व्यक्तियों की जनसंख्या 10.5% बढ़ी है, जिसके बाद 308 व्यक्ति अल्ट्रा रिच कैटेगरी में आ गए हैं। इनकी जनसंख्या में वैश्विक रूप से 7.8% की वृद्धि हुई है और 2.25 करोड़ लोगों को शामिल किया गया, जिनकी कुल संपत्ति में 8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो कि $86 खरब के बराबर है। यह जानकारी कैपजेमिनी द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट में सामने आई है। कोविड महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका दिया है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया भर में अमीरों की संख्या और उनके संपत्ति में वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए दावा किया कि वर्ष 2040 तक भारत की अर्थव्यवस्था 27 से 28 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की रिपोर्ट के हवाले से यह दावा करते हुए उन्होंने यह भी जोड़ा कि उस समय भारत विश्व के 3rd नंबर की अर्थव्यवस्था होगी, जो 2rd नंबर के काफी करीब होगी। ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का हल्ला बोल जारी है। पहलवान ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। इस बीच साक्षी मलिक का बड़ा बयान सामने आया है। साक्षी मलिक ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हम एशियाई खेलों में तभी भाग लेंगे जब इन सभी मुद्दों का समाधान हो जाएगा। साक्षी मलिक ने आगे कहा कि आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि हम हर दिन किस मानसिक रूप से गुजर रहे हैं। कांग्रेस ने मौजूदा केंद्र सरकार के तहत देश की अर्थव्यवस्था के बदहाल होने का आरोप लगाया और कहा कि अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर श्वेत पत्र जारी किया जाना चाहिए। पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने यह दावा किया है कि पिछले 9 वर्षों में देश का कुल कर्ज 55 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 155 लाख करोड़ रुपया हो गया है। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में आरोप लगाया कि आज़ादी के बाद 67 साल में यहां जहां 14 प्रधानमंत्रियों ने मिलकर 55 लाख करोड़ रुपए का ऋण लिया, वहीं नरेंद्र मोदी जी ने अपने 9 साल के कार्यकाल में इसको तिगुना करके 155 लाख करोड़ रुपये पहुँचा दिया है। असम चाय के 200 साल पूरे होने पर राज्य सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान किया। असम के हेमंत शर्मा सरकार ने 1 अप्रैल से अगले 3 साल की अवधि के लिए कृषि आय पर कर छूट देने का फैसला किया है। गुवाहाटी में जनता भवन में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। इसके मुताबिक किसानों को अब अगले 3 साल तक कृषि आय पर टैक्स नहीं देने पड़ेंगे। कर्नाटक में कांग्रेस और बीजेपी एक बार फिर आमने सामने आ गया। RSS और हेडगेवार को लेकर शुरू हुआ ये मसला भूमि आवंटन तक पहुंच चुका है, जिसके जरिए एक बार फिर 1947 से लेकर अब तक के इतिहास को खंगालने की बात उठने लगी है। हुआ यूं कि हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक रहे केशव बलिराम हेडगेवार
को कायर कहकर स्कूल सिलेबस से हटाने की बात कही गई थी। अब सामने आया है कि राज्य सरकार जमीन आवंटन की समीक्षा करने जा रही है। विपक्षी नेता अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ संयुक्त लड़ाई लड़ने के लिए बातचीत कर रहे हैं। इस महीने के अंत में पटना में विपक्षी दलों की बैठक होनी है। हालांकि एक साथ लड़ने का कार्य कुछ राज्यों में एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा वाले कुछ विपक्षी दलों के साथ चुनौतियों से भरा हुआ है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा है कि विपक्ष स्पष्ट है कि उसे 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा की अगुवाई वाली सरकार को गिराने के लिए एकजुट होना चाहिए और उम्मीद जताई कि सभी विपक्ष एक साथ आएंगे। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं तो तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटाने पर विचार करने की स्थिति में होंगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तेल कंपनियों के आगामी तिमाही नतीजे अच्छे होंगे। पुरी ने भाजपा मुख्यालय पर पेट्रोल कीमतों पर विभिन्न सवालों के जवाब देते हुए कहा कि वह इस मुद्दे पर कोई घोषणा करने की स्थिति में नहीं है। आगे चलकर देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। भारतीय कुश्ती संघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोपों का मामला उलझता ही जा रहा है। नाबालिग द्वारा लगाए गए आरोपों से मुकरने के बाद अब उसके दादा ने कहा है कि उनकी पोती बालिग और उनके पिता के कंधे पर बंदूक रखकर चलाया जा रहा है। उन्होंने यहां तक ही कह दिया कि भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का धरना सुनियोजित है। महाराष्ट्र के जलगांव के अमल नेरा में बीती रात दो समुदाय आपस में भिड़ गए। मारपीट और पत्थरबाजी की घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने लोगों से शांति की अपील की पर उपद्रवी और उग्र हो गए। उन्होंने पुलिस की टीम पर पत्थरबाजी कर दी, जिसके बाद पुलिस को लाठी चार्ज करनी पड़ी। इलाके में धारा 144 लागू है। पुलिस की कई टीमें शहर की गलियों में गश्त कर रही है। एडीजी सूत्रों के मुताबिक हिंसा में चार पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए हैं। एलन मस्क ने ट्विटर से जुड़े क्रिएटर्स के लिए गुड न्यूज़ दी है। मस्क ने ओनरशिप वाली कंपनी ट्विटर जल्द ही अपने प्लेटफॉर्म पर क्रिएटर्स को उनके जवाबों में दिए गए विज्ञापनों के लिए पेमेंट करना शुरू कर देगी। एलन मस्क ने शनिवार को इसकी अनाउंसमेंट कर दी है। बता दें कि इसकी शुरुआत करने के लिए ट्विटर ने क्रिएटर्स को पेमेंट करने के लिए $5 मिलियन का फंड अलग से रखा है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नुन्नू गोलू कुमार, सुरेश ओरम, नौसाद राजा, विजय राय, मोहम्मद साकिर हुसैन, बाबूलाल मरांडी, रवि शंकर। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, कोरोना महामारी के बाद क्या आपके जीवन में किसी प्रकार के बदलाव आए हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।